मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और वाक़या पेश किया जा रहा है जिसका उन्वान है शद्दाद और उसकी जन्नत, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है, मुआविन देवेंद्र खदाना जी हैं। तो लीजिए सामईन, शद्दाद जिसने दुनिया में अपनी एक जन्नत बनाई पैसे के बलबूते पर, दौलत के बलबूते पर, लेकिन उसको ये दौलत मिली कहाँ से, कैसे मिली, कैसे उसकी पैदाइश हुई और फिर किस तरह से वो इतना मालदार हो गया कि फिर धीरे धीरे उसने एक जन्नत बना ली और अपने आप पे जब उसे ज़्यादा तकब्बुर और घमंड आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से उसको मौत दी, ये इबरतनाक वाकया मुलाहिज़ा कीजिएगा। बड़ा सरदार था शद्दाद, थी शोहरत जमाने में, बड़ा सरदार था शद्दाद, थी शोहरत जमाने में, बड़ा सरदार था शद्दाद, थी शोहरत जमाने में, बनाई उसने ऐ अनवार एक जन्नत जमाने में, बनाई उसने ऐ अनवार एक जन्नत जमाने में, बड़ा सरदार था शद्दाद, थी शोहरत जमाने में, बड़ा सरदार था शद्दाद, थी शोहरत जमाने में, बड़ा सरदार था शद्दाद, थी शोहरत जमाने में, बनाई उसने ऐ अनवार एक जन्नत जमाने में, बनाई उसने अनवार एक जन्नत जमाने में, बनाई उसने अनवार एक जन्नत जमाने में। हिदायत से है ये लबरेज, इबरतनाक किस्सा है, जहाँ में हर तरफ शद्दाद की जन्नत का चर्चा है। मुफस्सिर ये बताते हैं कि गहरा समंदर था, बहुत लंबा था उसका तूल, पानी उसमें बेहतर था, एक कश्ती रवा पानी पे उसमें लोग बैठे थे, उन्हीं में एक औरत हामिला थी, सभी अच्छे थे। अचानक आ गया तूफान एक गमनाक पानी में, हुई हलचल जो पैदा आबे दरिया की रवानी में, वो कश्ती डगमगाई, लहरे दरिया उससे टकराई, नजर में हर किसी की मौत की सूरत उतर आई, हुआ जब दर्द-ए-ज़ा उस हाल में औरत वो घबराई, हुए तख्ते अलग कश्ती के उसकी रूह थर्राई, अजल की गोद में सब सो गए औरत बची तन्हा, पकड़ कर एक तख्ता उस पे वो बहने लगी तन्हा, हुई बच्चे की पैदाइश उसी तख्ते पे उजलत से, रहा महफूज बच्चा इस भंवर में फजले कुदरत से, वो औरत मर गई बच्चा बहा जाता था पानी पर, पानी पर किनारे की तरफ बहता चला आता था पानी पर, किनारे की तरफ बहता चला आता था पानी पर, किनारे की तरफ बहता चला आता था पानी पर। लगा साहिल पे तख्ता उसको देखा एक मछेरे ने, सुलाया मौत
की गोदी में औरत को थपेड़े ने उठाया, गोद में बच्चे को उसने अपने घर आया। दफन औरत को मिट्टी खोद कर साहिल पे कर आया। मछेरे की थी बीवी लावलद, घर उसका खाली था। न थी औलाद उनके, कल्ब दोनों का मलाली था। जो बच्चा देखा बीवी ने कहा ये खूबसूरत है। सुने हालात तो बोली हमें भी तो जरूरत है। इसे हम पाल लेते हैं यही अपना पिसर होगा। बुढ़ापे का सहारा होगा ये नूरे नजर होगा। कहा शत्तात किसका नाम है और मेरा बेटा है। खींचा जाता है दिल इसकी तरफ ये कितना अच्छा है। हुई फिर परवरिश शत्तात की और कुछ समा गुजरा। हुआ होशियार उसमें जबकि वो दौरे जहां गुजरा। बड़ा चालाक था बचपन से किस्मत का सिकंदर था। के दानाई का उसकी तज़किरा बस्ती में घर घर था। है किस्सा एक दिन का खेलता था सात बच्चों के। बड़ी फुर्ती से उठकर मारता था हाथ बच्चों के। बड़ी फुर्ती से उठकर मारता था हाथ बच्चों के। बड़ी फुर्ती से उठकर मारता था हाथ बच्चों के। हैं इधर को बादशाह भागो। चलो छुप जाओ बच्चों, छोड़ दो अब ये जगह भागो। सभी बच्चे छुपे और छुप गया शत्तात भी जाकर। सवारी बादशाह की गुजरी कुछ ही वक्त के अंदर। सिपाही चार पीछे से गए लश्कर के रास्ते पर। गिरी चीजें उठाने के लिए रहते थे वो अक्सर। मिली एक पोटली फिर एक सिपाही को पुरानी थी। उसे देखा जो उसने खोल कर एक सुर में तानी थी। वो बोला साथियों से अपनी आंखों में लगाऊंगा। नजर कमजोर है मेरी, मैं कुछ आराम पाऊंगा। कहा ये साथियों ने यूं लगाना काम बेजा है। किसी की आंख में पहले लगाओ बस ये अच्छा है। नजर आया उसे शत्तात, बोला तुम इधर आओ। लगाऊं आंख में सुरमा तुम्हारी है पिसर आओ। ये सुरमा की मियाँ है जब तू आंखों में लगाएगा। लगेगा आंख में सुरमा तेरी तो हुस्न आएगा। सलाई आंख में शत्तात की जब उसने कर डाली। जब उसने कर डाली नजर आए खजाने जबके धरती पर नजर डाली। नजर आए खजाने जबके धरती पर नजर डाली। नजर आए खजाने जबके धरती पर नजर डाली।
बुझाया है, जलन होती है आंखों में ये क्या तुमने लगाया है। तड़पने लग गया शब्दात ऐसे गिरता पड़ता था, लगा ऐसा के जैसे जीस्त का गुलशन उजड़ता था। ये बोला तिल मिलाकर बादशाह को मैं बताऊंगा, सदा इस जुल्म की सुल्तान से तुमको दिलाऊंगा। सिपाही डर गए ठहरे न फिर इसको मनाने को, वहीं पर छोड़कर सुरमा वो भागे जा बचाने को। तभी शद्दाद वो सुरमा उठाकर आ गया घर पर, लबों पर मुस्कुराहट थी खड़ा हंसता रहा घर पर। ये पूछा बाप माने क्या हुआ क्यों मुस्कुराते हो, बताओ भी हुआ क्या किस लिए शोखी दिखाते हो। बताया बाप को शद्दाद ने गुजरा जो किस्सा था, सिपाही से वो सुरमा इसने चालाकी से छीना था। मचेरा हो गया खुश और कहा तू मेरा बेटा है, बताना मत किसी को बात ये ऐ लाल अच्छा है। चलेंगे रात को लेकर खजाना लौट आएंगे, चलेंगे रात को लेकर खजाना लौट आएंगे, चलेंगे रात को लेकर खजाना लौट आएंगे। संवर जाएंगे दिन अपने भी हम आराम पाएंगे, संवर जाएंगे दिन अपने भी हम आराम पाएंगे, संवर जाएंगे दिन अपने भी हम आराम पाएंगे। जाते थे गधों पर लाद कर लालो जवाहर वो बुलाते थे, जमा काफी खजाना कर लिया शद्दाद ने घर में, नशा दौलत का फिर चढ़ने लगा मक्कार के सर में। बड़ी दावत किया करता था सारे बस्ती वालों की, मोहब्बत हो गई हासिल उसे बूढ़े जवानों की। सभी मानूस थे इससे बहुत तारीफ करते थे, शहर वालों के दिन अब उसके टुकड़ों पर गुजरते थे। सभी पर पा लिया उसने तसल्लुत वो सियासत की, थे जो सरदार बस्ती के उन्हीं से फिर बगावत की। झुका रखा था हर एक शख्स को अपनी ज़ियाफ़त से, कत्ल सरदार को शद्दाद ने कर डाला हिम्मत से। जगह पर उनकी खुद सरदार बनकर राज करता था, बहुत दौलत थी उस पर वक्त शोहरत से गुजरता था। बनाया एक लश्कर जंग जू सुने जवानों का, वो सब जालिम थे फौजी खून बहाते थे गरीबों का। करीबी हाकिमों ने जिस घड़ी उस पर चढ़ाई की, उस पर चढ़ाई की, हलाक उनको किया शद्दाद ने ऐसी लड़ाई की, हलाक उनको किया शद्दाद ने ऐसी लड़ाई की, हलाक उनको किया शद्दाद ने ऐसी लड़ाई की।
तो पैर फैलाए, कई मुल्कों के लश्कर उससे लड़ने के लिए आए। सभी वापस हुए थे मुंह की खाकर, क्या किया जाए। वजीरों को तभी शद्दाद ने कुछ राज समझाए। बना रूए जमीन का बादशाह हर सिमत शोहरत थी, जमाने के सभी मुल्कों पे अब उसकी हुकूमत थी। खजाना था बड़ा शद्दाद पे, लेकिन सितमगर था के चर्चा उसकी मक्कारी का इस दुनिया में घर घर था। खुदाई का किया ऐलान तो उलमा ने समझाया, रहा मलून जिद पर और समझ में कुछ नहीं आया। गरीबों पर ये दौलत राहे हक में खर्च कर पाया, तो फिर जन्नत तुझे देगा खुदा ये उसको बतलाया। कहा शद्दाद ने क्यों तू भला, ये मेरी दौलत है, बहुत खुश हूं मैं उस जन्नत की, मुझको क्या जरूरत है। तुम्हारे रब की जैसी एक जन्नत मैं बनाऊंगा, रहूंगा उसमें जाकर शान से तुमको दिखाऊंगा। लिखे खत सुने सारे हाकिमों को ये अता मांगी, लिखे खत सुने सारे हाकिमों को ये अता मांगी, लिखे खत सुने सारे हाकिमों को ये अता मांगी। जो हो हमवार इस धरती पे ऐसी जगह मांगी, जो हो हमवार इस धरती पे एक ऐसी जगह मांगी, जो हो हमवार इस धरती पे एक ऐसी जगह मांगी। उसको जमीन तो उसको खुदवा कर, बिछाया संगे मरमर उसमें फिर 40 गज अंदर। हुई तामीर जारी जिस घड़ी मसरूर था खुद सर, हजारों काम इसमें कर रहे थे रोज कारीगर। बनी दीवारें सब सोने की और चांदी की ईंटों से, जबरजद रोशनी देते थे छत से और सुतूनों से। शजर उसमें लगाए आधे सोने आधे चांदी के, थी उनकी डालियां या भूत की फल उसकी मर्जी के। शजर की डालियों को उसने मेवों से सजाया था, बिछा कर मुश्को अंबर फर्श जन्नत का बनाया था। बनाए महल सोने के सहन मोती का रखा था, हजारों नेमतों से अपनी जन्नत को सजाया था। बहाई नहरें ऐसी जिनके मोती के किनारे थे, चमक ऐसी थी उनकी गोया धरती पर सितारे थे। हवा के झोंके जब आते महक आती थी अंबर की, निराली शान थी शद्दाद की जन्नत के हर घर की। खबर शद्दाद ने पाई के पूरी बन गई जन्नत, खबर शद्दाद ने पाई के पूरी बन गई जन्नत, खबर शद्दाद ने पाई के पूरी बन गई जन्नत। कई सालों में अब जाकर कहीं उसकी बनी जन्नत, कई सालों में अब जाकर कहीं उसकी बनी जन्नत, कई सालों में अब जाकर कहीं उसकी बनी जन्नत।
दम दरे जन्नत पे पहुंचा था पहरेदार एक अनजान दरवाजे पे जन्नत के नजारे देखने वाला था जालिम रब की कुदरत के। कहा शत्ताद ने तू कौन है तो ये कहा उसने मैं इज़राइल हूं। फौरन जवाब इसको दिया उसने तू क्यों आया है ये पूछा वो बोला तुझको लेने को। कहा शत्ताद ने मोहलत दे थोड़ी मुझको जीने को मैं जाकर घूम लूं एक बार ठहरो अपनी जन्नत में। फरिश्ते ने कहा इसकी नहीं दूंगा इजाजत मैं खुदा का हुक्म है रूह तेरी यूं ही कब्ज करता हूँ। कहा शत्ताद ने ठहरो मैं घोड़े से उतरता हूँ। दरे जन्नत पे रखा एक कदम और एक था घोड़े पर निकाली रूह इज़राइल ने फिर उसकी खुश होकर। तभी जिब्रील ने एक चीख मारी आन के अंदर गई जन्नत जमी में मिट गए महलो मका गौहर। न करना फख्र है अनबार ये हुक्मे शरीयत है शरीयत है दौलत आनी जानी चीज ये इसकी हकीकत है। दौलत आनी जानी चीज ये इसकी हकीकत है। दौलत आनी जानी चीज ये इसकी हकीकत है। दौलत आनी जानी चीज ये इसकी हकीकत है।